हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोर टू आईआईटी। और अभी मैंने एक 2 दिन पहले भी मैंने एक बात कही थी आपसे, एक बात मैंने पढ़ी थी और उस पर मैं थोड़ी चर्चा करने वाला था। लेकिन मैंने सोचा कुछ मैं क्या समझाऊँ आपको कि हम ऐसी मिस्टेक्स ना करें। तो मे बी आपने ये चीज़ सुनी होगी कि आईआईटी बॉम्बे के एक स्टूडेंट्स के साथ एक बहुत ही गलत चीज़ हुई है। वो क्या है पहले मैं बता देता हूँ, और अब लोग क्या चाहते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली 31 अक्टूबर के आसपास क्या हुआ था कि वो लड़का अपने जो प्रोफाइल होगा वहाँ पे गया होगा, और वहाँ पे एक ऑप्शन होता है विथड्रॉ फ्रॉम सीट एलोकेशन एंड फर्दर फॉर फर्दर राउंड, ऐसा करके ऑप्शन है, सबको पता है। गाइस मुझे याद है मैंने विथड्रॉ पे 10 वीडियो बनाए थे कि एक मिस्टेक आपको चेंज कर सकती है। मुझे अभी अभी किसी ने कमेंट करके बताया था कि सर आप जो समझा रहे हो वो चीज़ यहाँ पे ये लड़के ने गलती कर दी है, ठीक है। और उसने क्या किया कि वहाँ पे उसने क्लिक कर दिया, ही क्लिक्ड ऑन इट अज्यूमिंग ही डिड नॉट नीड टू कंप्लीट एनी फर्दर प्रोसेस सिंस एवरीथिंग फॉर हिम वॉज ऑलरेडी कन्फर्म। और जब 10 तारीख को आईआईटी बॉम्बे का लिस्ट आया तब उसने देखा कि मेरा तो नाम नहीं है, ठीक है। अब उस बच्चे का काफ़ी अच्छा रैंक था, ठीक है, आई गेस कि 270 के आसपास रैंक था। और अब वो बच्चा मतलब चर्चा में आ गया है कि एक इतनी छोटी सी मिस्टेक के वजह से ये चीज़ हुई है। अब इसको हम मिस्टेक माने, इसको हम भूल माने। अब यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ पहले, तो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोग चाहते हैं कि उसको वो सीट मिल जाए, तो रॉन्ग क्लिक हुआ है, तो लोग चाहते हैं कि भैया ठीक है उससे गलती हो गई है, तो एक पिटिशन फाइल हुआ है, मतलब कि एक याचिका दाखिल हुई है और उसके द्वारा लोग चाहते हैं कि उसको दे दी जाए सीट। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि क्या इसको सीट दे देनी चाहिए, क्या ये छोटी गलती थी, और क्या ये मतलब बहुत नॉर्मल गलती थी, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। तो पहले मैं मेरा व्यू दे रहा हूँ, मुझे देखो ऐसा नहीं है, मैं मेरा व्यू दे रहा हूँ यहाँ पे, आपका पर्सपेक्टिव 101% डिफरेंट हो सकता है, अगर डिफरेंट है तो मुझे बताना, ठीक है। उसमें कोई ये एक कॉमन सब्जेक्ट है, इसमें ऐसा नहीं कि 2+2 सबके लिए 4 है, इसमें सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है। अब मैं मेरा पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, तो अकॉर्डिंग टू मी देखो कितने सारे वीडियोज मैं खुद बना रहा था, और मेरे अलावा बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो ऐसे काम करते थे काउंसलिंग का। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं जिस दिन से जोशा सीएसीबी का स्टार्ट हुआ था ना, उस दिन से मैं हर एक वीडियो में एक लाइन बोल रहा था कि आपको कुछ भी समझना है तो जोशा और सीएसीबी का इंफॉर्मेशन ब्रोशर या बिजनेस रूल्स में जाके पढ़ो, किसी को पढ़ना नहीं है यार, किसी को कुछ नहीं करना है, पढ़ना नहीं है। अगर आप जेडब्ल्यू दिए हो, जेडब्ल्यू मीन्स दिए हो, एडवांस दिए हो, आप इतने क्वालिफाइड हो, आप इतना अच्छा स्कोर लाए हो, आपको इंग्लिश पढ़ना भी आता है, लेकिन आपको वो पढ़ना नहीं है। एक 25-30 पेज का पीडीएफ होता है, उसमें वो मैं बोलता हूँ कि वो गीता है, ठीक है, वो गीता है ये सब एडमिशन प्रोसेस के लिए। अगर आप वो एक बार आसानी से पढ़ जाओ तो आपके पास कोई मतलब देर इज नो वे कि आप कोई गलत गलत काम करो, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब आप सोचो कि विथड्रॉ, मुझे मुझे खुद कितने सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि सर मैं विथड्रॉ कर लूँ, मैं विथड्रॉ कर लूँ। अरे मैंने उसको बताया कि भाई तुझे सीट चाहिए तो तुझे विथड्रॉ क्यों करना है, जाओ एक बार जाके पढ़ो, वीडियो आप देख नहीं रहे हो लेकिन आप पढ़ भी नहीं रहे हो, इतना केयरलेसनेस, मैं इसको केयरलेसनेस में काउंट करूंगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसने गलती से प्रेस कर दिया था, उसे ऐसा लगा, आप यहां पे अगर वर्डिंग देखो तो यहां पे वर्डिंग ऐसा लिखा है कि उसे ऐसा लगा, ही क्लिक्ड ऑन इट अज्यूमिंग ही डिड नॉट नीड टू कंप्लीट एनी फर्दर राउंड। अब विथड्रॉ का मतलब ही वही है, वहां चीख चीख के लिखा है, विथड्रॉ का मतलब ही वही है कि भैया सीट आप बाहर खींच लो, आप आगे वाले राउंड से, वो तो अब रेड मार्क में लिखना है, वो है ना जो ये वर्ड्स होते हैं वो कई कई बार रेड से लिखते हैं कि मतलब हाईलाइट हो जाए। तो आई गेस कि ये तो वो लड़के की ही मिस्टेक है, और अगर ये पिटिशन में ऐसा चला जाता है और उसको सीट दे देते हैं तो क्या होगा पता है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन लोगों ने बाय मिस्टेकली किया है। ये तो चलो इसका रैंक, ये ही इज़ वन ऑफ द टॉपर, 270 के आसपास आई गेस उसका रैंक था, और हाँ 217 JEE रैंक, तो ही इज़ वन ऑफ द टॉपर लिस्ट इन इंडिया। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका लोअर रैंक 1 लाख 2 लाख के आसपास, जिन्होंने ये मिस्टेक की होगी, तो फिर सबको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से कोई डेकोरम मेंटेन नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर आप एक को अलाउ करेंगे तो फिर सबको अलाउ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि उसका हायर रैंक है तो आप उसको अलाउ कर दो, मिस्टेक मिस्टेक होती है, ठीक है। तो आई गेस कि गवर्नमेंट तो इसको अलाउ नहीं करेगा, आईआईटी बॉम्बे भी इसको अलाउ नहीं करेगा, मे बी कुछ स्पेशल केस बना के इसको परमिशन दे दे, लेकिन ऑफिशियली तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसका पॉसिबल हो पाएगा वापस जाना, क्योंकि उसने खुद ने क्लिक किया है। अब मैं एक लास्ट में बताना चाहता हूँ कि इससे हम क्या सीख सकते हैं। ये तो एक छोटा सा पड़ाव था, मैं बोलूंगा स्टिल दिस इज अ स्मॉल मिस्टेक, स्टिल दिस इज अ स्मॉल मिस्टेक, ठीक है, भले उसे आईआईटी बॉम्बे चली गई, स्टिल आई एम सेइंग कि इज अ स्मॉल मिस्टेक। एक डिसीजन आपका, एक आपकी गलती पूरा जिंदगी डिफाइन नहीं करती है, ठीक है, ये बात समझना। मैं चाहता हूं कि आप कोई भी काम करो जिंदगी में,
ऐसे बहुत सारे फॉर्म भरने आएंगे, बहुत सारी एग्जाम देनी आएगी, बहुत सारी चीजें आएगी आगे। तो ठीक है, अभी तो आपकी एज क्या हुई है, 18 साल, 19 साल, ठीक है, बहुत चीजें आने वाली है। तो उसके लिए हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें जो गाइडलाइन दी हो उसे एक बार अच्छे से पढ़ ले यार। मैं कई बार देखता हूँ कि सपोज के वो एग्जाम में क्लियरली उसकी गाइडलाइन में 10-15 पॉइंट्स लिखे हैं, उसमें एक पॉइंट लिखा है कि आधार कार्ड लेके जाना है, आधे से ज्यादा बच्चे आधार कार्ड या उसका प्रिंट आउट लिए बिना ही आ जाए। अरे भैया एक बार पढ़ो, इतनी केयरलेसनेस क्यों? मैं हमेशा बोलता हूँ चिंता नहीं करना है, लोड नहीं लेना है, एकदम आराम से लेना है, चिल रहना है। लेकिन मैं हमेशा उसके बाद एक और सेंटेंस बोलता हूँ कि केयरलेसनेस भी नहीं रहना है। केयरलेस इतना बिहेवियर क्यों यार? आपको पता है, आपको हर बार बोला गया है कि वो जो बिजनेस रूल्स है वही उसका हर एक गाइडेंस है। पता है आपको जो यूपीएससी होता है ना, जो सबसे टफ एग्जाम मानी जाती है इंडिया की, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के लिए, इंडियन ऑल इंडिया सर्विस एग्जाम, उनमें ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन वाला आता है वो मैंने सुना है 300 साढ़े 300 पेज का आता है, ठीक है। तो इतना बड़ा, उसमें हर एक माइनॉर डिटेल लिखी होती है। तो जिन लोगों को वहाँ, मतलब जिन लोगों की वो डिटेल की ज़रूरत होती है, तो वो लोग उसके उसे भी पढ़ते हैं, लोग उसे भी पढ़ते हैं अच्छे से। पढ़ना चाहिए क्यों? मतलब यहाँ पे तो कितनी छोटी पीडीएफ थी, एक बार गो थ्रू करने में हार्डली 1 से 2 घंटा लगता आपका, और एक बार आप विजिट कर जाते तो कितना आपका बेनिफिट होता। तो मैं बार बार बच्चों को बता रहा हूँ कि ये तो चलो, ये तो हमें इनसे सीखना है, इंस्पायर होना है कि आगे हम जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दें, कोई भी फॉर्म फिलअप करें, आगे तो एमटेक पीएचडी हर जगह एडमिशन लेना है, एमबीए बहुत सारी जगह पे ये सारी चीज़ें होती है। तो हमें जो हर एक और हर जगह उसका बिजनेस रूल्स और उसका एक एनेक्चर, उसका गाइडलाइन एक होता ही है, ठीक है। अगर ना हो तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखे थे यार, एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए, आईआईटी के लिए कितने सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स थे, आप उनको कॉल करके पूछते। आप मजाक मजाक में कि चलो चलो चेक करते हैं क्या होता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। एक चीज़ आपकी ज़िंदगी को पूरा कन्वर्ट कर सकती है, इसमें डरने की बात नहीं है। लेकिन इसमें एक ही बात है जो मैं हमेशा चाहता हूँ कि स्टूडेंट एक्टिव रहे। मैं हमेशा एक्टिविज्म की बात करता हूँ कि स्टूडेंट थोड़ा एक्टिव रहे आसपास, ऐसे नहीं कि बस जो मिला उसे खा लिया, जो मिला मतलब खा लिया मतलब कि जो मिला वही ले लिया, जो पढ़ाया वो सीख लिया और कुछ न्यू नया जिंदगी में नहीं किया, बस बैठे रहे आराम से चिल किया, ये सब ठीक है। लेकिन थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए कि हमें, हम अगर कोई चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसका हमें सराउंडिंग, उसका बेसिक रूल्स, ये सब हमें पता होना चाहिए, ठीक है। हमें, अब हम कॉलेज में जा रहे हैं तो फ्यूचर में आप कोई कंपनी में जाओगे, ठीक है, जब काम करोगे तब वहाँ पे भी एक बिजनेस रूल्स होते हैं, ठीक है, 100-100 पेज के, तो उसे भी हमें पता रहना चाहिए कि हाँ मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकता, हाँ मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। हर एक चीज़ का बिजनेस गाइडेंस रूल्स होते हैं, और फिर आप लास्ट में ऐसा बोल दो कि यार मैंने तो पढ़ा नहीं था, मुझे याद नहीं था, तो दैट्स योर मिस्टेक नॉट कंपनीज, ठीक है। तो ये बात याद रखो, और इससे सीखने का मैं हमेशा बोलता हूँ। इससे पहले भी एक बच्चे का हमने केस देखा था कि JEE में उसने क्या बोलते हैं कि गलत तरीके से किसी का प्रॉक्सी लेके, प्रॉक्सी लगवा के उसने किया था काम, उस पर भी मैंने बताया था कि वो गलत है, लेकिन हम उससे क्या सीख सकते हैं। सिमिलरली दिस इज रियली बैड फॉर दैट स्टूडेंट, नाम उसका सिद्धार्थ बत्रा है शायद तक, और सिद्धांत सिद्धांत बत्रा, दिस इज रियली बैड फॉर हिम। मुझे काफ़ी दुख हुआ ये सुन के कि इतना मेहनत करने के बाद उसका ड्रीम कॉलेज नहीं मिल पाया, लेकिन हाँ जो हो गया वो हो गया, लेकिन हम इससे क्या सीख सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यही बताना चाहता था मैं। वीडियो को अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर करना, पेरेंट्स को भी जानना ये बात ज़रूरी है, अपने आसपास के ग्रुप में कोई भी बच्चा हो ये वीडियो देख सकता है, उसको शेयर करना, इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।